बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकेंड चैप्टर शुरू किया था, जिसके आपको पहले दो वीडियो के अंदर आपको समझा दिया कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करे, उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव यानी कि 1:1 एंड ऑन टू। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, तो उनको हमने रेस्ट्रिक्ट किया, बाउंडेशन किया, उनके इंटरवल को फैक्टर किया और आपको बताया कि भाई इनकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या क्या है। वो ब्रांच वाली टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उसमें फिर हमने कल एक्सरसाइज भी शुरू करवाई थी। एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चन हो गए थे, दो या एक जो भी हुआ था। सेकंड के कुछ पार्ट रहते हैं, वो देखो। एक तो आपको वो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, फर्स्ट में आपको ये बताया था भाई कि कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन ये सारे के सारे टर्म जो मैंने यहाँ नेगेटिव ले रखे हैं ना, वो क्या ले रखी हैं, वो पॉजिटिव साइन के साथ हो, तो किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस हमें इतना पता लगाना पड़ेगा कि बाहर कोस इनवर्स है, अंदर 1/2 है, तो कोस की वैल्यू 1/2 कब होगी, हमारे 60 डिग्री पे। अगर कोस इनवर्स ये √3/2 है, तो फिर ये कितने पे होगा, 30 पे। तो वो सोल्व करने आपको सिखा दिए थे। बल्कि तीन पार्ट मैंने और भी करवाए थे नेगेटिव साइन वाले, टेन आ जाए, कोसिकेंट आ जाए, या फिर हमारा क्या आ जाए, उसके अलावा हमारा रह जाएगा टेन, कोसिकेंट और साइन वाला। वो तीनों आपको करवा दिए थे। और देखो उसी से रिलेटेड, जैसे हमारे पास है कोसिकेंट इनवर्स -2। ध्यान से सुनो बेटा, इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन हमेशा आता है, खासकर नेगेटिव साइन वाला, और कोस और सिकेंट का आएगा, वो भी करवाएंगे। कोसिकेंट इनवर्स -2 है। एक बार ना आपको इस माइनस साइन को नहीं देखना, ये जहां लगा हुआ है एज इट इज हमने यू का यू लिख दिया। सिर्फ इस 2 के बारे में देखा कि कोसिकेंट की वैल्यू अगर हमें 2 लिखनी है तो वो कितने डिग्री पे होती है, कितने पे होती है, 30 पे। तो हम 2 को कोसिकेंट पाई बाई 6 कह सकते हैं। आपको लिखना है यहाँ रेडियंस में ये एंगल को। अब देखो, इस माइनस के यहाँ रहते हुए हम कोसिकेंट से कोसिकेंट को कैंसिल नहीं कर सकते। प्लस 1 में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसके बेस पे हम इस माइनस साइन को अंदर भेज सकते हैं, क्योंकि जब इसको सोल्व करेंगे तो हम माइनस कोसिकेंट पाई बाई 6 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से 4 कौन कौन से, साइन, टेन, कोट और कोसिकेंट, नेगेटिव साइन को बाहर निकालते हैं तो अंदर रख सकते हैं। अब आपका कोसिकेंट से कोसिकेंट तो कैंसिल हो जाएगा और कितना आया, माइनस पाई बाई 6। लेकिन आप अपने आंसर को यूं ही नहीं छोड़ोगे। अभी हम नहीं कह सकते कि ये हमारा आंसर है, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। पहले हम इसको चेक करना पड़ेगा कि ये कोसिकेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो थी ना, उसमें बिलोंग करता है या नहीं। अब आप याद करो, कोसिकेंट की जो ब्रांच थी वो तो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 और माइनस में क्या थी भी, जीरो थी। अब आपको देखना है कि क्या ये यहाँ बिलोंग करेगा। माइनस का 30 डिग्री माइनस 90 से बड़ा होता है और प्लस 90 से छोटा होता है, बिलोंग करेगा। अगर ये वैल्यू कोसिकेंट की प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग करती है तो -π/6 कोसिकेंट इनवर्स -2 की प्रिंसिपल वैल्यू है। और देखो सेकंड पार्ट, टेन इनवर्स -1 है। अब टेन इनवर्स एज इट इज, माइनस को यू का लिख दिया, हम टेन को π/4 कह सकते हैं। और फिर वैसे ही कि इस माइनस के रहते हुए फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल नहीं होगा, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे इस माइनस साइन को अंदर भेज सकते हैं। जब इस माइनस साइन को अंदर भेजेंगे तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और माइनस का π/4 आएगा। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है, उसके लिए हम इसको 10 की प्रिंसिपल ब्रांच में चेक करेंगे। और 10 की प्रिंसिपल ब्रांच क्या थी, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। और भाई माइनस का 45 डिग्री माइनस 90 से बड़ा होता है और प्लस 90 से छोटा होता है, तो ये -π/4 10 इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू है। नेक्स्ट देखो, फिर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोस सिकेंट, और आगे जाके हम थोड़ा कोट के बारे में बताएंगे। पहले कोस और सिकेंट का देखो भी, चाहे आपको यहाँ वैल्यू 2 मिल रही है, √3/2 मिल रही है, 1/√2 मिल रही है, वो बात अलग है। लेकिन हम नेगेटिव के केस में कोस और सिकेंट की बात करें। सबसे पहले देखो भी कोस का था, कोस इनवर्स -1/2। जैसे टेन का कोसिकेंट का कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं, हमने इस माइनस को लिख दिया और 1/2 को cos π/3 कह दिया। अब हमारे सामने वही
प्रॉब्लम आई क्या कि भी हम इस माइनस के रहते हुए कोस से कोस इनवर्स को कैंसिल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन अब हमें हमने टेन और कोसिकेंट के केस में क्या किया कि इस माइनस को यहां अंदर भेज दिया। लेकिन क्या कोस के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं? आप इसको सोल्व करोगे तो क्या माइनस कोस पाई बाई थ्री आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन को कोस फंक्शन बाहर नहीं निकालता। यानी कि अगर आप जानबूझ के इस चीज को इग्नोर कर रहे हो तो आप गलत लिख रहे हो, ऐसा रिजल्ट होता ही नहीं है, हम नहीं लिख सकते। अब जो बच्चे ऐसे लिखेंगे और यू कैंसिल कर देंगे और फिर यू कहेंगे माइनस पाई बाई थ्री और लो ये अपना आ गया आंसर, तो फिर ये भी गलत है, क्योंकि जो आपका आंसर आता है आप उसको ब्रांच में चेक करते हो कि नहीं। अब कोस की ब्रांच क्या थी? जीरो से पाई। आप ध्यान से देखो, माइनस का 60 डिग्री जीरो से पाई इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगा। यहां तक तो बात जाएगी नहीं, आपने यहां गलती कर दी। और जो बच्चा जानबूझ के इस चीज को कर रहा है तो उससे मिला हुआ रिजल्ट कौन सा उसकी ब्रांच में बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये स्टेप आप नहीं कर सकते, ये गलत है। अब देखो, इस माइनस को तो यहां से हटाना तो होगा, क्योंकि माइनस के हटे बिना फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल नहीं होगा। देखो मैं ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको फॉर्मूला लिखवा रखे है ना, उसके अंदर आपको सारा समझा रखा है। हमारे पास चार क्वाड्रेंट हैं, हर क्वाड्रेंट की दो दो पॉसिबिलिटी होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की होती है पाई बाय टू माइनस में थीटा, सेकंड की पाई बाय टू प्लस थीटा, पाई माइनस में थीटा, उसके बाद पाई प्लस में थीटा और थ्री पाई बाय टू माइनस में थीटा, यहाँ थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा और टू पाई माइनस थीटा और फिर टू पाई प्लस थीटा। हर क्वाड्रेंट के दो केस होते हैं, टोटल आठ होते हैं। यानी कि हम जैसे तैसे करके इसको चेंज तो करेंगे। पाई बाय थ्री हमारे पास 60 डिग्री है। अब 60 की अगर बात आ रही है तो इस हिसाब से तो वो सोल्व हो ही नहीं रहा। अगर हम 60 की बात करें, 7 के साथ बात हो रही है नेगेटिव साइन की। अभी बताओ कोस नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? एक तो सेकेंड में और एक थर्ड में। हम थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट से सोल्व होके आपको जो वैल्यू मिलेगी क्या वो आपकी ब्रांच में बिलोंग करेगी? क्योंकि आपकी ब्रांच क्या है? जीरो से पाई, यानी कि पहले और दूसरे क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं। 180 से बड़ा एंगल जो आपका आएगा वो फिर से आपकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। यानी कि नेगेटिव साइन की बात हो रही तो आपके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर भी ध्यान रखना है, जब भी हमें किसी एंगल को लिखना हो ना तो आप 90 से बचो। 90 के फॉर्म में लिखते हैं ना तो हमारा फंक्शन भी तो बदल जाता है। अगर आप इसको लिखने के लिए 90 की हेल्प लेते हो तो फिर दिक्कत यह है कि कोस किस में बदल जाएगा? साइन में। जब कोस साइन में बदल जाएगा तो कोस इनवर्स से साइन कैंसिल नहीं होगा, वो तो फिर हमारे सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी कि इसको लिखने के लिए हम इसकी हेल्प लेंगे भी इसकी, क्योंकि पाई के साथ फंक्शन बदलता नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें रहना है क्योंकि नेगेटिव साइन की बात हो रही है। थर्ड में हम जा नहीं सकते क्योंकि वो हमारे ब्रांच से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। अब आप ध्यान से सुनना, कोस इनवर्स है, ठीक है, हमारे पास माइनस कोस ऑफ पाई बाय थ्री था। अगर मैं इसको कोस ऑफ पाई माइनस पाई बाय थ्री लिखूं, एक बार आप सारा छोड़ के सिर्फ इतना देखो, ये बताओ पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। अगर हम कोस पाई माइनस पाई बाय थ्री को सोल्व करते हैं तो पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस कैसा? नेगेटिव, और पाई के साथ नो चेंज, तो कोस पाई बाय थ्री आएगा कि नहीं आएगा? इसको सोल्व करने से माइनस कोस पाई बाय थ्री आ रहा है तो माइनस कोस पाई बाय थ्री की जगह हम ये रख सकते हैं या नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? भाई जब इसको सोल्व करने से ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम इसकी जगह ये रख देंगे। अब उससे क्या हुआ? देखो बीच का माइनस था वो अपने आप हट गया, हमें दिख नहीं रहा, लेकिन जब सोल्व कर रहे हैं तो आपको मिलेगा। और हमें यही तो चाहिए था कि यहाँ बीच में से माइनस साइन हट जाए, जिससे हम फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल करके एंगल लिख दें। अब आपका एंगल क्या बचा? पाई माइनस में पाई बाय थ्री, पाई माइनस में पाई बाय थ्री, यानी कि टू पाई बाय थ्री। जिस बच्चे को रेडियस में अच्छे से ध्यान नहीं है, अपना डिग्री में कन्वर्ट करके देख लेना। पाई को 180 रखोगे, सोल्व करोगे तो ये 120 डिग्री है। अभी हम नहीं कह सकते ये हमारा आंसर है, हम इसको कोस की ब्रांच में चेक करेंगे।
और कोस की जो ब्रांच थी वो 0 से 180 थी, और भाई 120 डिग्री 0 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, तो 2 पाई बाय 3 कोस इनवर्स माइनस 1 बाय 2 की प्रिंसिपल वैल्यू है। कोस के केस में ये दिक्कत आई क्योंकि ये माइनस ऐसे नहीं जा सकता, टेन में प्रॉब्लम नहीं आई, साइन में नहीं आई, कोसिकेंट में भी नहीं आई, लेकिन ये प्रॉब्लम हमारे पास कोस में क्यों आई, क्योंकि हम इस नेगेटिव साइन को अंदर नहीं ले सकते, नहीं ले सकते तो यहां से हटेगा नहीं, हटेगा नहीं तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू नहीं मिलेगी। नेक्स्ट देखो बेटा, माइनस वाला ही कर रहे हैं, कोस का ही पार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ 1/2 आया, √3/2 आया, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना। कैसे ध्यान रखना, सबसे पहले इस 1/2 को लिख दिया, ये माइनस अंदर नहीं जा सकता, इस माइनस के लिए हम हमेशा ही क्या करेंगे, पाई माइनस लिखेंगे, जो यहाँ पे एंगल होगा वो लिखेंगे, उसको सॉल्व करने से एज इट इज आ जाएगा, फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कटा, जो आया उसको चेक जरूर करना कि आपकी प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग करता है या नहीं करता है। नेक्स्ट देखो, जैसे हम करें कोस इनवर्स माइनस √3/2, इसी से मिलता जुलता करते हैं हम। अभी बताओ कोस इनवर्स माइनस √3/2 है, हम उसको कोस इनवर्स माइनस एज इट इज और √3/2 को कोस पाई बाय 6 कह सकते हैं। अब फिर वही बात है भाई, कोस है ये माइनस साइन हम अंदर ले जाके नहीं हटा सकते, तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, कोस इनवर्स कोस पाई माइनस में पाई बाय 6, वैसे ही यहाँ पे पाई माइनस पाई बाय 3 है क्योंकि यहाँ पाई बाय 3 था, यहाँ पाई माइनस पाई बाय 6 है क्योंकि यहाँ पाई बाय 6। तो आप इसको सोल्व करके देखो, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, पाई के साथ नो चेंज, तो ये आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा तो हम लिख सकते हैं। अब कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो गया, हमारे पास आया पाई माइनस पाई बाय 6 यानी कि 5 पाई बाय 6। अब 5 पाई बाय 6 ये पता लगाए कितना डिग्री है, तो ये 150 डिग्री होता है और 150 डिग्री 0 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, यानी कि 5 पाई बाय 6 कोस की प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग करता है, बिलोंग करता है तो 5 पाई बाय 6 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। और देखो एक पार्ट, जैसे आपसे यूं कहा जाए कोस इनवर्स माइनस 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, तो बताओ तो क्या लिखोगे, जैसे ही कोस दिखाई दे, नेगेटिव साइन दिखाई दे, तो आपके दिमाग में ये वाली बात आ जानी चाहिए भी। अब देखो कोस इनवर्स है माइनस एज इट इज, हम एक बार इसको कोस पाई बाई 4 लिखेंगे क्योंकि 1/√2 कोस 45 पे होता है। अब इस माइनस के लिए माइनस सीधा तो अंदर जाएगा नहीं, पाई माइनस में पाई बाई 4, और कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 आया, और 3 पाई बाई 4 135 डिग्री है, और 135 डिग्री 0 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, तो 3 पाई बाई 4 हमारी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। ध्यान रखना बेटा, कोस इनवर्स माइनस 1/2, कोस इनवर्स माइनस √3/2, कोस इनवर्स माइनस 1/2, मेन बात कर रहे हैं कोस का क्वेश्चन और नेगेटिव साइन के साथ हो तो सभी पार्ट्स आपको इस तरह से करने हैं। अब हम कर रहे हैं सेकंड का, सीकेंट में भी वही दिक्कत आएगी जो कोस में आ रही है। जैसे इसमें हमारे पास है सीकेंट इनवर्स माइनस 2, इसको लिखेंगे सीकेंट इनवर्स माइनस एज इट इज, और ये 2 वैल्यू हमारी पाई बाई 3 पे हो जाएगी। अब उस कोस वाले की तरह हम इसको इस माइनस को अंदर लिख के सीकेंट ऑफ माइनस पाई बाई 3 नहीं लिख सकते क्योंकि सीकेंट माइनस साइन को बाहर नहीं निकालता। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि भाई सेकेंड इनवर्स है बिल्कुल सेम सेकेंड, इसको हमने पाई माइनस पाई बाय 3 लिख दिया। सोल्व करके देख लो आप, जो पाई माइनस पाई बाय 3 लिखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, नेगेटिव होता है, पाई के साथ नो चेंज, तो माइनस का सेकेंड पाई बाय 3 आएगा। अब सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसिल होगा और पाई माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3, और 2 पाई बाय 3 120 डिग्री होता है, और सेकेंड इनवर्स की जो ब्रांच थी वो थी 0 से पाई क्लोज्ड माइनस पाई बाय 2, तो भी हमारा 120 डिग्री 0 से 180 में बिलोंग करेगा और वो 90 भी नहीं होता, तो 2 पाई बाय 3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। और देखो जैसे सेकेंड इनवर्स माइनस √2 है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, सेकेंड इनवर्स माइनस एज इट इज, इसको सेकेंड पाई बाय 4 कह दिया, फिर वही बात इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाय 4,
और फिर पाई माइनस पाई बाई फोर सिकेंड से सिकेंड इनवर्स कटने के बाद थ्री पाई बाई फोर आएगा और थ्री पाई बाई फोर 135 डिग्री होता है जो आपका 0 से 180 में बिलोंग करेगा। तो ये थी हमारे प्रिंसिपल वैल्यू कोस और सिकेंड के पार्ट में जब हमारे पास नेगेटिव हो। लेकिन अब तक हमने एक भी क्वेश्चन कोट का सोल्व नहीं किया अभी। देखो बेटा जैसे आपके पास ये होगी कोट इनवर्स 1 हो और एक कोट इनवर्स माइनस 1। अब जब कोट इनवर्स 1 है ना तो 1 को हम क्या कहेंगे कोट पाई बाई फोर, कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा पाई बाई फोर आ गया और पाई बाई फोर कोट की जो ब्रांच थी 0 से पाई ओपन में बिलोंग करेगा तो पाई बाई फोर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। लेकिन जब माइनस साइन है तो हम वैसे करें कोट इनवर्स माइनस एज इट इज छोड़ दिया और हमने 1 को लिख दिया कोट पाई बाई फोर और टेन साइन और कोसिकेंट की तरह कोट को कोई दिक्कत नहीं होती, वो नेगेटिव साइन को अंदर लिख रहा है, हम इस नेगेटिव साइन को अंदर भेज सकते हैं। लेकिन जब आप कोट से कोट इनवर्स को कैंसिल करेंगे तो माइनस पाई बाई फोर आएगा और यहाँ हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आई कि कोट की जो ब्रांच होती है ना उसके अंदर माइनस पाई बाई फोर बिलोंग नहीं करेगा, नेगेटिव वैल्यू इसके पास नहीं है। तो माइनस पाई बाई फोर डज नॉट बिलोंग्स टू जीरो से पाई, इसलिए माइनस पाई बाई फोर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। अब हम ये नहीं कह सकते कि प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकालेंगे लेकिन दूसरा मेथड लगाएंगे भी। अब इसमें भी वही करना है जो आप कोस और सिकेंड के केस में करते थे, यानी कि इसके बाद ये स्टेप किया तो उससे तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू नहीं मिली। दोबारा से हम यहाँ आ रहे हैं और इसमें वैसे लिख रहे हैं माइनस कोट पाई बाई फोर के लिए पाई माइनस पाई बाई फोर लिख दिया। आप इसको सोल्व करके देख लो, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है पाई के साथ नो चेंज, तो माइनस का कोट पाई बाई फोर आएगा कि नहीं आएगा, और जब कोट से कोट इनवर्स कैंसिल होगा तो पाई माइनस पाई बाई फोर यानी कि थ्री पाई बाई फोर और थ्री पाई बाई फोर 135 डिग्री होता है जो आपका जीरो से पाई ओपन कोट की प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग करेगा करेगा, तो थ्री पाई बाई फोर हमारी क्या है प्रिंसिपल वैल्यू। और देखो एक पार्ट इसका कोट का ही, अगर हमारे पास कोट इनवर्स माइनस का रूट थ्री है तो कैसे करेंगे कोट इनवर्स माइनस एज इट इज और हमने रूट थ्री को क्या लिख दिया कोट पाई बाई सिक्स। अगर आप माइनस को अंदर ले जाते हो ले जा सकते हैं, कोट से कोट इनवर्स कटेगा लेकिन माइनस पाई बाई सिक्स आएगा और माइनस पाई बाई सिक्स जीरो से पाई में बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए इसमें भी हमें वही कोस वाला मेथड लगाना है। कोट लिखा और पाई के माइनस में ये लिख दो पाई बाई सिक्स, सोल्व करोगे तो यही आएगा। कोट से कोट इनवर्स कटने के बाद 5 पाई बाई सिक्स आया जो 150 डिग्री होता है जो 0 से पाई में बिलोंग करेगा। अब एक बात ध्यान से सुनो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से साइन इनवर्स टैन इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स नेगेटिव साइन के साथ हो पॉजिटिव के साथ हो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव वाले के साथ होगा तो जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी वो नेगेटिव में आ जाएगी। आपको मेन ध्यान रखना है कोस का सिकेंट का और कोट का। अभी अभी जो आपको प्रैक्टिस करवाई कोस और सिकेंट का तो इसलिए रखना है नेगेटिव वाले में वो भी क्योंकि नेगेटिव साइन को बाहर नहीं निकालते, और कोट में प्रॉब्लम ये आती है कि अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो नेगेटिव वैल्यू उसकी ब्रांच में बिलोंग नहीं करती, इसलिए इसमें ध्यान रखना है। तीनों केसेस का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इनसे रिलेटेड ही आते हैं।